अगर आपके घर में भी मूंग की दाल का नाम आते ही जोमैटो और स्विगी खुल जाता है तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे घर में भी ऐसा होता था जब तक कि मैंने मूंग की दाल की ये रेसिपी नहीं ट्राई की। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पेश है आपके लिए यूपी की स्पेशल मुरादाबादी दाल, जो कि नॉर्मल दाल में एक इतना प्यारा ट्विस्ट है कि आपकी फैमिली दाल से नहीं दाल की तरफ भागेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं ये अमेजिंग सी रेसिपी। बट शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, ताकि ये ऐसी अमेजिंग और रेसिपीज आप मिस ना करें। तो यहाँ मैंने ली है एक कटोरी मूंग की दाल, जिसे मैंने धो के एक घंटा पहले भिगा दिया था। अब ये मूंग की दाल जाएगी कुकर में। इसमें डालूंगी आधा चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच डालूंगी इसके अंदर मैं हल्दी पाउडर, एक चौथाई चम्मच हींग का पाउडर। अब जाएगा इसके अंदर पानी, तो एक कटोरी दाल पर जाएगा चार कटोरी पानी। तो सेम कटोरी से ही मैंने दाल नापी थी और उसी से ही मैं पानी नाप के डाल रही हूँ। अब इस लिड को लगाएंगे और तीन विसल्स तक फुल पे, और उसके बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए सिम पे पकाऊंगी। अब एक तड़का पैन में मैं डालूंगी थोड़ा सा ऑयल, और ये मेरे पास है सूखी लाल मिर्चें। चलिए मिर्चें भी तल गई, अब थोड़ी सी सब्जी काट लेते हैं। दाल बहुत अच्छे से गल गई है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर एक चम्मच देसी घी। गैस की फ्लेम को मैंने सिम पे रखा है और अब इस दाल को बहुत अच्छे से घोटेंगे। इतने अच्छे से घोटेंगे कि बिल्कुल एकदम क्रीमी हो जाए। दाल के जो दाने हैं वो ऑलरेडी अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं, बस इनको घोट के एकदम मलाईदार जो दाल होती है ना वो बनानी है। तो ये दाल घुट के बहुत मस्त एकदम मलाई जैसी हो गई है, तो ये इसके साथ ऐसे चिपक नहीं रही है, एकदम फ्री फ्लो है, तो ऐसी दाल हमको चाहिए। तो ये देखिए परफेक्ट दाल की निशानी है, ये जो मलाई इसके ऊपर आई है ना, ये अगर आ जाए तो इट मीन्स कि दाल बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए तो शुरू करते हैं और इसको असेंबल करते हैं। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा लेमन का जूस, काला नमक, भुना हुआ जीरा, बारीक कटे हुए प्याज, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी हरी चटनी, धनिया। ये जो मिर्च हमने तल के रखी थी ये थोड़ी सी जाएगी इसके ऊपर। अगर आप ज़्यादा तीखा ना पसंद करते हो तो आप इसके बीज निकाल सकते हो। थोड़े से अदरक के लच्छे, और लास्ट में थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके बहुत ही थोड़ा सा हम डालेंगे फ्लेवर के लिए। सो दिस इज डन एंड मेरी अमेजिंग मुरादाबादी दाल बनके तैयार है। तो मुरादाबाद के लोग तो खाते हैं इसे देसी घी के जलेबी के साथ, आप इसे पाव के साथ, रोटी के साथ, या ऐसे ही थोड़ा सा मक्खन डाल के ट्राई करना, आपको बहुत मजा आएगा। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ये अमेजिंग रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। आज के लिए इतना ही, जल्दी आती हूँ अपनी अगली अमेजिंग रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर।